हेलो जी, सारे नु प्यार प्री सत श्री अकाल। होप सो तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। तो स्वागत है थोड़ा मेरे चैनल पर। तो शुरू कर दें अज का ब्लॉग। तो अज मैं थोड़ी जी ठीक है, तो मैं थोड़ी जी तैयार भी होगी, क्योंकि जिन्ना आप बीमार फील करी जाते हैं फिर उन्ना ही बीमार होंगे हैं। तो अज मेरे ड्रिप नहीं लगनी, कल लगी सी। तो अज गुणताश भी स्कूल गया हुआ, मौसम बहुत खराब होया। तो अज ड्रिप तो मैंने छुट्टी है, वैसे थोड़ा जहा मैनू फर्क है हूँ, तो ज़्यादा नहीं अजे है। डॉक्टर ने रेस्ट दसी हुई है कि जिनी रेस्ट करूँगे उन्नी जल्दी ठीक होंगे। तो अज मेरे मम्मी आऊँगे तो थोड़ी हेल्प हो जूगी मैं, तो नाले मेरा दिल भी लग जूगा, क्योंकि अजे मेरा दिल भी नहीं सवार के लगता रवि जाने करके। नाल कोई बोलन भी चाहिए, फिर मम्मी आ जूंगे तो उन्होंने वधिया मेरा टाइम पास हो जूगा, नाले सब्जी सुब्जी बना दिया करनगे वो। तो शुरू कर दें जी अज का ब्लॉग। तो काम कुम मैं सारे कर ले, क्योंकि अज पोचे वगैरह तो कुछ लगने नहीं सी। सफाई का काम हूँ थोड़ा मैं कट्टे किया होया, इन्नी नहीं मैं केयर जी करती, क्योंकि मैं खुद ही बीमार है। तो अज मैं थोड़ा जहा अपना स्किन केयर भी किया। मैं अपने घर एलोवेरा लगाया हुआ, फ्रैश ओ लगाया सी फेस से, नहीं तो फेस का बहुत सत्यानाश होया पिया, मेरे ना बहुत फर्क पैंदा। तो शुरू कर दें अज का ब्लॉग। ना तो कि मैं हमने फ्री हुई सी, तो हूँ मैं दुध पीऊँगी, क्योंकि डॉक्टर ने दसा हुआ कि तुम डाइट वधिया लैनी, तीन चार बार दुध पिए करो। मतलब मैं चाह की जगह हूँ दुधे पीनी हूँ, चाह में दिल नहीं करता, सवेरे भी नहीं बिल्कुल भी चाह पीनी मैं, चाह बिल्कुल छुट्ट गई मेरी। एक वधिया भी है क्योंकि खराब ही करती है, पर अगर हो सकता मैं ठीक होकर फिर पीन लग जाऊँगा, ये कोई गरंटी नहीं मेरी चाह की कि मैं छड़ दूँगी, क्योंकि चाह तो मेरी फेवरेट है। पता नहीं ठीक होके मैं पीऊँगी या नहीं पीऊँगी, ये नहीं पता। तो हूँ मैं सौंफ वाला दूध पीनी हूँ, पर थोड़ा बाहर का मौसम दिखाई। देखो जी मौसम बिल्कुल ठंडा ठाक हो गया। इधर मैं छतरी रखी हुई गुणताश में छड़ के आई सी, मेरी साइकिल खड़ी है। तो वैसे मैनू तो वधिया लगता ठंडा मौसम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती मैनू, नाले एसी कूलर भी थोड़ी देर बंद हो जूंगे अजे, होर बिल घट जूगा। तो बदल अजे भी बहुत सारे हैं, ठंडा होया पिया मौसम बिल्कुल एकदम। देखो मेरे बूटियां नू भी वधिया पानी मिल गया बाहर, नहीं मैं हुण पाइप लगा के लगाना सीगा पानी, फिर तो हुण चलो एक दो दिन होर लंघ जाएंगे। देखो कितने सोने फूल खिड़े हुए येलो, एक उधर वाइट। तो रवि का बक्सा बाहर ही पिया जी, मेरे तो चक नहीं होंगे, भारी बहुत है। सुक्के तो हम फिर देख लिये, मम्मी भी हेल्प ना अंदर खाऊंगी, नहीं तो खराब हो जूगा। तो देख लो जी मौसम, तो हूँ चलते हैं अंदर, तो बनाते हैं अपना दुध। तो बाहर का मौसम मैं थोड़ा दिखाता, बिल्कुल खराब होया पिया है। तो लाइट हैगी अज साढ़े टच बोर्ड, पता नहीं किमें है। बस हूँ चलो जी करते हैं फिर अपना चाह चू, चाह नहीं दुध बना। तो मैं दुध च पाती हूँ सौंफ, तो एक इलायची, तो इलायची तो सौंफ वाला दूध मैं पीती हूँ। चाह तो हूँ चलो टच वुड छोटी जाए तो वधिया है, क्योंकि खराब ही करती है, पर हो सकता ठीक होने तो बाद मैं फिर क्रेविंग हो गया चाह की, फिर पीऊँगी भी मैं, एवें भी नहीं अपने मैं मन नहीं मारती, जिहड़ी चीज़ में दिल करता वह खाऊंगी मैं। तो मेरा वेट भी काफ़ी घट गया, पहला वध गया सीगा, तो 10 दिन मैं मतलब बिल्कुल भी रोटी पानी कुछ नहीं खाधा, उन्हें करके वेट मेरा काफ़ी ज़्यादा घट गया, पहला वर्गा हो गया। मतलब पहला मेरा सीगा 58 सीगा, मन ला दी हूँ 63 सीगा, हूँ मन ला दी उन्ना ही हो गया पहला जिन्ना, सारे फेर वाले कुर्ते वाले सारे पहला वाले
सारे पहलां वाले कुर्ते हुण मैनूं फिट आउण लग गए, नहीं पहलां टाइट हो गए सीगे, हुण वेट घट गया बीमार होण करके। ते इधर मैं काले चने रखे हुए हैं डिप करके, शाम नूं सब्जी बनाऊंगी क्योंकि हेल्दी हुंदी है सब्जी भी बहुत ज़्यादा। ते इधर मैं थोड़ी जी चावल ते दाल भिओ के रखी दोपहर नूं, अपने लिए मैं खिचड़ी बनाऊंगी। रोटी घट खानी है मैं, चावल जां खिचड़ी खानी है ज़्यादा हूँ। इधर दूध भी बन गया अपना, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर पीने हैं। ते होर दसो जी थोड़े सारे दे की हाल चाल है, ते थानू मेरी वीडियोज़ किमें दी लगदी है। ते मैं बहुत खुश हैं क्योंकि बस मेरे 1000 सबसक्राइबर होने वाले हैं, 29 सबसक्राइबर रह गए। तो थानू रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी चैनल नू सबसक्राइब कर लो, ते जल्दी जल्दी बन के सबसक्राइबर करो, ते फिर मैं अपनी इंट्रो वीडियो लेके आऊँगी, अपने बारे सारा कुछ मैं दसूँगी। बस मैं बहुत जल्दी जल्दी हूँ वेट है, मैं खुश भी बहुत खुश है मैं कि मैं इन्नी मेहनत की है इस चैनल पर, तो मेरे सबसक्राइबर पूरे होने वाले हैं हूँ। तो जल्दी जल्दी तुसी भी सबसक्राइब कर लो, तो नाल ही नोटिफिकेशन बैल भी प्रेस कर लो ताकि मेरी सारिया वीडियोज़ थानू मिले। तो हूँ छुट्टियां हो जाए तो फिर आप मेरे पेके जाऊँगे, उत्थे दे ब्लॉग सब ने बहुत पसंद किए, बहुत वधिया व्यू आए उत्थे दे ब्लॉग्स नू, क्योंकि कुछ चेंज होना चाहिए, इको कंटेंट नहीं दिखा सकते, बोर हो जाती है ऑडियंस भी। तो हूँ आप छुट्टियां होंगे तो मैं कुछ दिन जाऊँगी, ज़्यादा नहीं 10 दिन जाऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत हो जानी, फिर गर्मी ज़्यादा लगती है उत्थे, मतलब खेतों च घर करके गर्म हवा जिन्हें आप पंजाब कह दें लो चलती है, हाँ उत्थे उवें हो जाता है। तो पर मैं जाऊँगी जरूर, थोड़े जे ब्लॉग शूट करके लियाँगी उत्थों, फिर थोड़े लिए मैं अपलोड करूँगी। बस जल्दी जल्दी तुसी मेरे बन के सबसक्राइबर कंप्लीट करो, तो चैनल में सपोर्ट करो, तो फिर अपना सैलीब्रेट भी करना है अपने बन के सबसक्राइबर। तो इंट्रो वीडियो भी मैं लैके आऊँगी, मैं पहला भी कहा शुरू ची कि जो मेरे बन के सबसक्राइबर कंप्लीट हो गए मैं उदो इंट्रो वीडियो लैके आऊँगी कि मैं कितों बिलोंग करती हाँ, कि मेरी एजुकेशन है कौन, फैमिली च वैसे फैमिली का तो हूँ थानू ब्लॉग्स तो पता ही लग गया मेरी फैमिली कौन कौन है, तो बाकी भी होर भी बहुत कुछ है दसन वाला। तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दो, तो कि उत्थे मतलब किवें दा मौसम है, मौसम बहुत ठंडा है, राती 2 डिग्री माइनस सीगा, ते अज कहिंदे उत्थे भी मीह पै रहा, मैं दस्सिया सी कि साढ़े मीह पै रहा, तां उह कहिंदे उत्थे भी मीह पै रहा। मैं थोड़े नाल क्लिप्स शेयर जरूर करूँगी कि वह कित्थे गए हैं, तो बहुत सोहना व्यू सीगा पर उन्हां लई औखा है क्योंकि एकदम इस टैंपरेचर चेंज हुंदा है, तो मौसम भी चेंज हुंदा, बीमार होने का भी डर है, पर टच वुड ठीक है। तो एक दो दिन मतलब नहाने तो रेस्ट दसी जी उत्थे किसी ने कि नहाना नहीं हुंदा, आके एकदम मतलब वैदर चेंज हुंदा है गर्मी चो एकदम सर्दी च जाना, तो ठीक ठाक है वह अपनी कंपनी चले जाना उन्होंने एक दो दिन तक, तो मैं थोड़े नाल अगे क्लिप्स शेयर करूँगी। तो टैंपरेचर बहुत ठंडा है उत्थे मौसम, अज तो अपने भी ठंडा है, एक दो दिन रहूगा तो जो धुप निकलगी बस अपने तो उदों ही गर्मी हो जानी है, अपने तो कुछ नहीं आप कह सकते वैदर का, जदों मीह पैंदा बस उदों ही ठंडा, तो उदों उस तो बाद जद ही धुप निकल जाती है। तो चलो जी फिर अगे करते हैं इंजॉय ब्लॉग।
ਹਾਸਾ ਬੜਾ ਯਾਰ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਸੋ ਜੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸੋ ਲੂੰਗੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਣਾ ਲੂੰਗੀ ਹਜੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਰੈਸਟ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੋਗ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਈਜ਼ ਵੱਜ ਗਿਆ 1 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਂਗੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਜੀਰੇ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਬਸ ਜੀਰੇ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਉਂਗੀ ਇੱਧਰ ਖਿਚੜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੜਕਾ ਬਸ 2 ਵਿਸਲ ਚੀਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਵਲੋਗ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗਣੀ ਆ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੱਡ ਪੈਰ ਦੁਖਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ 6:30 ਹੋ ਗਏ ਬਸ ਉਨਤਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਕੁੜਮਣੀਆਂ ਕੁੜਮਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਮੀ ਆ ਆਹ ਸਾਡੀ ਟਿੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰਦੀ ਖੜਦੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਨੀ ਮੰਮੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਮੰਮੀ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਪਈ ਰਾਤ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮੰਜਾ ਤਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨੀਂਦ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਚੱਲ ਪਏ ਸਾਜਰੇ ਹੀ ਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ 20 'ਤੇ 28 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 29 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਬਜ਼ੀ ਰਾਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬਸ ਟਿਫਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਊਂਗੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਦੇਖੋ
मीह हूँ भी बहुत पै रहा, मम्मी ड्यूटी होने गए अजे भिजते भुजते ही पहुंचे होने, हूँ ताश भी ठुर ठुर करता ही गया, बहुत तेज़ पै रहा, बिच नूं माड़ा जिहा टाइम रुकिया सीगा 10 मिनट, फिर हूँ लग गया। तो इधर बन लगी मेरी चाह, थोड़ी जी पीऊँगी ज़्यादा नहीं, तो पहला मैं सौंफ ते इलायची पाती थी। फिर हूँ थोड़ी जी चाह पी के फिर मैं ड्रिप लवाऊंगी, डॉक्टर को फोन करूंगी। मैं बालियाँ पाइया, मम्मी कहने तो कुछ नहीं पाया वा कन्ना च, तो आके मैं बालियाँ पवाती, मम्मी ने कन्न सुनने नहीं रखते होंगे, पर मैं नहीं इन्ना शौक है मैं नहीं पाँगी। हूँ चाह पी के फिर डॉक्टर अंकल को फोन करना, क्योंकि उन्होंने भी मीह के हिसाब में लाना, जो मीह हटूगा फिर आ होना उन्होंने तो भी, फिर ड्रिप ला जूँगी मेरे वो। इधर पे करेले छिल छिल के रखते, शाम को मम्मी बनाऊगी, जे मम्मी ने होंगे फिर नहीं सी बनाने मैं, क्योंकि इन्ना कम नहीं होंगे रसोई च खड़ के जी मित्र। बस चाह बन चली, तो हूँ थोड़ा जा मीह हटिया, मैं चाह पी के हटी हैं, देखो हूँ शायद साफ हो जाए, मौसम वधिया हो जाए, गंदा गंदा होया पिया हूँ सारा बेड़ा भी बुरा हाल होया पिया। तो कल आ गए थे मेरे मम्मी, तो उन्होंने फिर बालियाँ पाइया, पहला आ गए कहते कन्ना च कुछ नहीं पाया वा, तो मैंने ज़्यादा शौक नहीं था, मम्मी देख लो माँ को किन्ना फिक्र हों, कहते कन्न सुनने नहीं रखे करते, दोनों मम्मिया ने पाइया मेरे तो, इन्हों का पिछे लॉक है वो मेरे तो लगता नहीं सी, फिर उन्होंने लगा के फिर हूँ पाइया। तो अज मैं अंकल नूं फोन किया डॉक्टर नूं, वह बाहर गए हुए हैं, शाम नूं लगूगी ट्रिप, हूँ तो लगनी नहीं, तो बस हूँ मैं करूँगी रैसट, तो ब्रेकफास्ट हो गया सीगा, लंच दोपहर फिर बना लूँगी जब भुख लगेगी, अभी तो भुख है नहीं, तो बस हूँ मैं सौ जूँगी थोड़ी देर, मैं भी नींद आ रही है, तो उसके बाद देखते हैं फिर काम कार की करने, मीह करके कोई काम तो है नहीं, ठंड हुई पई अज भी, हूँ ताश नूं भी सवेरे ठंड लग रही सी, फिर उन्हें भी मैं पूरी बाजू वाले कपड़े पा के भेजी, तो पहला ड्रैस पाई हुई सी, फिर एन टाइम पर ही चेंज की, ठंड हो गई वैसे ठीक है, जदों मीह हटिया धुप नाल एकदम फिर गर्मी हो जानी है। तो हूँ ब्लॉग का मैं करन लगी इत्थे एंड, होपसो थानू वधिया लग्या होगा, अगर वधिया लग्या तो चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लो, तो नाल ही बैल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि थानू आने वाली सारिया वीडियोज़ मिल सकन, ते हुण मिलांगे आपां किसी नवें ब्लॉग च, उदों तक लई थैंक यू फॉर वॉचिंग।